गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भी पापा का फोन आ गया था यार मेरे कि उठ जा यार फटाफट। चलो भी फटाफट नीचे चलते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फिर फटाफट ब्रेकफास्ट करने बैठता हूँ। सुबह सुबह काम दे दिया भाई, पनीर लेके आओ, चिकन लेके आओ। चलते हैं यार, पनीर वगैरह लेके आते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं, घर आया हूँ, काम देना पड़ेगा भाई। बिना काम करवाए लड़के को रखा नहीं जाता भाई इनसे। चलो कोई बात नहीं, फर्ज बनता है, फटाफट अपना लेके आते हैं। फिर आके नहाना धोना करता हूँ, तभी तो जब तक पापा है तब तक गाड़ी है, वरना भाई बाइक पे जाना पड़ता है। इसलिए मैंने मौके का फायदा उठा लिया एंड गाड़ी ले ली। फटाफट लेन चलता हूँ भाई, चिकन ब्रेस्ट ले ली, अब चलते हैं भाई फटाफट घर। ये रहा पनीर, ये रहा चिकन, और ये रहा आपका होस्ट मानव व्लॉग्स। ये रही भाई अपनी गाड़ी। थोड़ी देर में चाहते हैं नहाने, फिर एक और काम दिया पापा ने कि इन्वर्टर की बैटरी में पानी ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए डिस्टिल्ड वाटर लाने जाना है। डिस्टिल्ड वाटर लाऊंगा, पता नहीं कहाँ से मिलेगा, लेकिन चलो देखते हैं, वो ले जाऊंगा। फिर पापा आएंगे, पापा और मैं मिलके साथ भरेंगे। डिस्टिल्ड वाटर लेने आया था, ये रहा 5 लीटर की चन्नी सी है, ये ले लिए भाई। ये एक साइड का शोरूम दिख रहा है, यहाँ से उठाई हमने भाई ये डिस्टिल्ड वाटर, 50 रुपये का 5 लीटर पड़ा, काफ़ी सही है रेट। बस अभी इसको घर लेके चलता हूँ, फिर पापा आते हैं, तब पापा के साथ मिलके इसको बैटरी में डालेंगे। और फिर मम्मी क्या बनाया आज? क्या बनाया है? पनीर की सब्जी। ये क्या है, पनीर तो है नहीं इसमें। अभी ग्रेवी बनेगी। कितना टाइम लगेगा? और पौना घंटा। कहाँ? भूख लग रही है भाई। बेटा अजी 12:30 नथी क्या? कोई बात नहीं, खाई ले ले इसके अंदर। भाई पौना घंटा लगेगा अभी और। वो तो ही खा लूँ। रेडी हो गया खाना, पापा भी आ गए हैं। रेडी हो गया? हाँ। रोटी बना दो फटाफट। ठीक है। एसी चला दो। भाई घर का खाना खा के भाई जो ही स्वाद आता है, भाई जो ही स्वाद आता है। इतना तगड़ा खाना बना रखा था ना मम्मी ने। और बाय द वे भी मेरे फ़ोन में सिर्फ 3% 3% बैटरी रह गई है। फटाफट मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लाइट गई हुई थी, हाँ गई हुई है, अभी भी लाइट गई हुई है। बस फिर मैं अभी सो जाता हूँ यार, वरना तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाएगा। मस्त खाना बना रखा था भाई साहब, बस अभी ऊपर आ गया हूँ, सो रहा हूँ। तो गाइस अर्जेंट भाई लोगों का कॉल आ गया कि भाई रैली में जाना है, रेडी हो गए। कहते कहते काला कुर्ता पहन ले, रैली में जाना है। रैली किस चीज़ की? अपना 15 अगस्त आने वाली है, क्लोज है, सो उससे पहले एक मिनी रैली निकाल रहे हैं। लेट्स सी कितने लोग आते हैं। आज लगता नहीं कि ज़्यादा भाई वगैरह आएंगे अपने, कोई बात नहीं, रैली है भाई, अपना पार्टिसिपेट करना तो बनता ही है। कोई गलत काम के लिए थोड़ी ना, अपने देश के लिए क्यों नहीं करेंगे। बस अपना बोला हुआ है कि हमारे यमुनानगर में यहाँ पे ना नेहरू पार्क है, 3:45 पे बोला हुआ है कि गैदरिंग वहाँ पे करनी है। अभी हो रहे हैं टाइम 3:20, अभी थोड़ी देर में मियाँ जी आएंगे 3:30 घर पे पिक करने, फिर चलते हैं अपना नेहरू पार्क, वहाँ पे जाके तुम्हें वहाँ का सीन दिखाता हूँ। गाइस गेस व्हाट, गेस व्हाट, मियाँ जी कल की तरह आज फिर आ गए हैं। मियाँ जी ऑन फायर। ऑन फायर भाई, आज भी काला कुर्ता, आज भाई काला कुर्ता जो पहना दिया। क्यों जा रहे हैं मैंने आपको बता ही दिया। लेट्स सी, अभी भाई पहले इनके घर पे चलते हैं, भाइयों को उठाएंगे, भाइयों को उठाएंगे, भाई घर पे हैं उनके साथ,
चलेंगे फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। आगे क्या सीन है हमें भी नहीं पता है। वो फोन आ गया था भाई लोगों का कि भाई नेहरू पार्क गैदरिंग करनी है तो कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने बता दिया कौन कौन आने वाले? ना ना सब सुना बताते हैं। देख रहे हो गाइस कितनी क्लासिक लग रही है। पटेल भाई कैसा लग रहा है आपको? स्वाद आ रहे भाई, स्वाद आ रहे हैं। अभी तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक बार झंडा देखो यार आप लोग। 75 मात्रम मात्रम जय जय मात्रम जय जय भाई। सोचा नहीं था कि इतने भाई लोग जमा हो जाएंगे भाई साहब। आ रहे हैं अभी धीरे धीरे और आ रहे हैं अभी और आएंगे भाई। कहाँ गाड़ियों पे चढ़ रखे हैं, ट्रैक्टरों पे चढ़ रखे हैं। और ये 75 फीट का अपना झंडा 75 इसलिए रखा है क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए 75 फुट का रखा हमने। बताया था भाई मंत्री वंत्री सारा सिस्टम बैठ जाएगा। बैठ गया तुलसी मंत्री दिखेगा भी भाई मंत्री तुम्हें। मेरे भाई मेरे पड़ोसी भाई असलम जी, भाई इस्लाम जी और हमारे पटवारी जी। कहाँ पटवारी जी, क्या बात बुड्ढा क्या तुम? और सभी उपस्थित सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों, सारा सिस्टम जाम कर दिया सारा सिस्टम। यो भाई सिस्टम तो है। बैल बुद्धि इतने कुछ
वैली वैली से आ गए हैं भाई, भाई पैर दर्द कर गए यार इनमें भाई। जाओ ना देखो कलर ब्लैक लेके गया था, क्या हो गया पैर दर्द कर गए यार। चलो थोड़ा बैठता हूँ भाई, खोल दो इसको। स्वाद बहुत आया रैली में, बहुत स्वाद। आज तक बथेरी रैलियाँ करी, बहुत बहुत रैली में गया, बहुत रैली ऑर्गेनाइज करी, बट इस रैली में जो स्वाद आया मज़ा आ गया भाई। एजुकेशन मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े लोग आ रखे थे, मज़ा आ गया। तो अपना रैली से आने के बाद थक सा गया हूँ, शूट नहीं करा मैंने, थकान से हो रही थी अपना, बट डिनर कर लिया, कोको को सुसु भी करवाया साथ, मैंने भी कर लिया सुसु, मतलब उसके साथ नहीं करा बाहर, अपना अंदर वॉशरूम में। तो बस आज जल्दी सो जाऊंगा, तो बस इसी नोट के साथ ब्लॉग को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज वाला रैली वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। कल मिलते हैं और एक और फर्राटेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।